भाजपा शिवसेना आरपीआई आठवले गट के प्रत्याशी हंसराज अहिर के प्रचारार्थ गढ़चांदूर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभा ली गई। भाजपा शिवसेना मित्रदल गठबंधन प्रत्याशी हंसराज अहिर के प्रचारार्थ गढ़चांदूर में सभा ली गई। इस सभा में स्टार प्रचारक के रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे तथा अन्य नेतागणों में उम्मीदवार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर के साथ विधायक संजय धोटे, विधायक अनिल सोले, जिला परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगले, सिद्धार्थ पथाड़े, अशोक जीतोड़े, खुशाल बोंडे, मंगेश गुलवाड़े, धनंजय छाजेर, हरीश शर्मा, गोदावरी केंद्रे आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के सभा स्थल पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब अचानक तेज हवा के कारण मंडप थोड़े समय के लिए अस्त व्यस्त हो गया, मगर कार्यकर्ताओं की तत्परता तथा मुस्तैदी ने स्थिति को सामान्य किया। इस सभास्थल में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और इस दौरान पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। अपने मनोगत के दौरान विभिन्न विषयों पर बात की गई तथा राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, मगर वहीं गढ़चांदूर के कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। विशेष रूप से गढ़चांदूर तालुका संघर्ष समिति के पदाधिकारी जो गढ़चांदूर को तालुका घोषित करने की मांग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, वही पत्रकार गण के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था न होने पर उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग सभा स्थल पर पहुंचे। सीटीवी के लिए सैयद मुमताज अली की रिपोर्ट।